केपीडी न्यूज हक सच और इंसाफ की आवाज। फगवाड़ा विच एक 13 साल दी लड़की नाल जबर जिनाह दी घटना वापरन तो बाद पुलिस ने दोषी नूं गिरफ्तार करन विच सफलता प्राप्त कर ली है। इस संबंधी पत्रकारां नूं जानकारी दिंदे हुए पुलिस अधिकारी बलदेव सिंह रंधावा ने दस्या कि फड़े गए दोषी दी पछाण मंगल वजो हुई है, जिसने कबूल किया है कि उसने लड़की नाल गलत हरकत की है। लड़की नूं सिविल हस्पताल विच भर्ती करवा के मेडिकल करवाया गया है। बाकी मेडिकल रिपोर्ट आन तो बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोषी पुलिस की गिरफ्त विच है। फगवाड़ा तो अशोक की रिपोर्ट। मामला इस तरह, मैं रात थाने हाजिर थी कि थाना सिटी फगवाड़ा तो एक मुलाजम नरेश सिंह एक बयान लेके गया कि एक लड़की है जिसकी उम्र 12-13 साल है, उस दे नाल मंगल नाम के व्यक्ति ने जिहड़ा बलात्कार किया है। जो सुरेंद्र कौर सब इंस्पैक्टर ने बयान लिख के उसका सिविल हॉस्पिटल तो मेरे को भेजा, जो उसके बयान से मैं मुकदमा दर्ज करके मुकदमा नंबर 144-376 IPC 4 Post Act GRPH जलंधर मैं जी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश करन तो मैं सिविल हॉस्पिटल जला फगवाड़े आया तो लड़की भी पुछगिछ की। लड़की ने यह गल ही दसी कि इसने मेरे नाल मैनू अपने कमरे च लिजा के शराब पियाई, आप भी पीती, अते उस तो बाद रेलवे स्टेशन फगवाड़ा जलंधर साइड झाड़ियाँ के मेरे नाल इन्हें बलात्कार किया। जो उस तो बाद तफ्तीश शुरू करन तो बाद फिर मैं असी इसकी तलाश शुरू की। जो ये सानू खेड़ा फाटक के नेड़ों मिलिया, ये मंगल सन ऑफ राम प्यारे वासी प्रीतनगर के किराए पर रहिंदा है। तो इसने अपना दोष भी मेरे को कबूल किया कि मैं लड़की नाल जिहड़ा बलात्कार किया। बलात्कार की पुष्टि हो गई? पुष्टि इस तरह यह मेडिकल होया, मगर डॉक्टर साहब ने जिहड़ा ना ये स्वैब लए ने, स्वैब के रिजल्टों तो बाद ही जिहड़ा क्लीयर होगा कि इसने बलात्कार होया जां नहीं होया, क्योंकि ये दस रही मेरे नाल बलात्कार होया। मंगल ने आरोप लाया कि मेरे उहदे बाप ने भी इहने गलत काम किया लड़की ने? नहीं, इस तरह की मेरे सामने कोई गल नहीं की हैगी बलात्कार करन दी उहदे बाप वल्लों, मगर मंगल ने जरूर मेरे को मन्निया भी मैं बलात्कार। वो बाहर कबूल किया उहने? वो मुसलता तुहाडे कोल कबूल किया है, मगर मेरे को कबूल नहीं है गल। क्यों, जांच हो गई मामले की? जिहड़े मंगल ने आरोप लाए, जांच चल रही है, इहदी जांच चल रही है। बाकी असीं इहनूं गिरफ्तार कर लिया, इहदा रिमांड भी लवांगे, होर पुछगिछ करांगे। किन्ने दिन दा रिमांड सर? रिमांड अजे पेश करना, इहनूं कल पेश करना, कल पेश कर दिओ। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम सीताराम है। आपकी बच्चे के साथ क्या हुआ? बाबू बंदा काफी बंदा लेके रखता था 10 दिन 15 दिन, उसके साथ उसे किया था। तो बाबू तो हमको हमारी लड़की हमको नहीं दे रहा था, फिर देखो हम थाने में रिपोर्ट किया था, तब जाकर के लड़की मेरी मतलब थाने में कहता था तेरा लड़की नहीं मिलेगी, जहाँ मर्जी रिपोर्ट कर जाके जा। आप कहाँ रहते हो? हम रहते हैं सुगर मिल कॉलोनी के पास। वो आदमी का क्या नाम है जो लड़की लेके आया? मंगल, मंगल करके। मंगल? मंगल, हाँ हाँ मंगल जी। हाँ। वो हरामी आदमी है सारो, मतलब आपने बोला हमारी लड़की थे तो उसने क्या बोला? कहता लड़की नहीं मिलेगा, तेरा जहाँ जिस भी जहाँ रिपोर्ट करना करे। लड़की को साथ में ले गया था? जी जी। कितने दिन से लेके गया हूँ? करीब 10-15 दिन हो गया था सर, 10 दिन। आपको लड़की ने बताया कि मेरे साथ गलत काम किया है? जी जी, आज बताया। पुलिस कंप्लेंट की आपने? हाँ, ये पर्ची तो अभी अस्पताल गया लेके आया था मैं। मंगल जी, क्या क्या बात की और क्या हुआ लड़की के साथ, आपने क्या किया? अभी हमने कुछ नहीं किया, लड़की खुद आई थी भागती मेरे पास। क्या बोली लड़की? वो लड़की ने कहा कि मेरा बाप मेरे साथ उल्टा सीधा कर्म करता है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती अपने माता पिता के साथ। तो तुम्हारी कितनी उम्र है? 26 साल। लड़की की कितनी उम्र होगी? भाभी 14-13 साल की। 13 साल की। आपको पता है क्या नाबालिग लड़की थी, आपने क्यों रखी? क्या पुलिस को आपने इसके बारे में बताया कि लड़की मेरे पास भाग के आई है? लेके गया था सर। पुलिस के पास आप लेके गए थे? कौन सी पुलिस के पास लेके गए थे? सिटी संघ। तो क्या बोली पुलिस? वहाँ साहब मिले थे, साहब जो कुछ बात होगा हम देख। लड़की के बाप ने ना पहले एप्लीकेशन दे रखा था। आपको किसने बताया कि लड़की का बाप जो गलत काम करता है? लड़की खुद बयान दे रही थी। क्या बोल रही थी? मेरा बाप मुझे खुद रखता है और मेरे साथ उल्टा सीधा कर्म करता है, मैं नहीं करना तेरे साथ तो उसे मारता हूँ। तो माँ बाप, उस लड़की के माँ बाप क्या काम करते हैं, कैसे हैं? ब्लाइंड दोनों ही? हाँ जी।
देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज़ चैनल के पीडी न्यूज़ हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।